Thank you.
पे खैसा का सजरा नसब लिखा हुआ है।
مش عارف. इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें खजा मिलता है। तो वो खाई साहब के रोजे पर गोल्ड का ताज पेश करेंगे। 85 साल की उम्र में होता है, 25 किलो सोने का कलश सरकार की गुम्बद शरीफ पर पेश किया और उनकी उनकी भी ख्वाहिश थी अजमेर में वो दफन होना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी वजह से। लेकिन उनकी नेक्स्ट नस्ल मतलब कि आने वाले 2 औलाद 3 औलाद या तक की जिस बेटे को लेकर ना मजा थी तो उसका मजा नहीं आ रहा है। ये मकबरा है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है नवाब यामपुर का, उन्हीं औलादों का मजा। यहाँ पर एक मजार खाली है, वो मज़ार इसीलिए खाली है कि वो जगह उन्होंने खुद के लिए पसंद की थी लेकिन वो नहीं आ पाए। बाहर तो ऐसे आता है जब बच्चे वगैरह के होते हैं उनकी काफ़ी तो खानदान हो गया काफ़ी बड़ा। अभी तो 3 भाइयों के औलाद में से जो होते हैं वो अलग अलग, अभी केस हुआ था आपने न्यूज़ में देखा होगा लखनऊ के अंदर, सोने की बंदूकें वगैरह वो सब निकले की वो सब नहीं घर से निकले, सोने की तलवारें। हाँ उसमें तो कुछ चोरी हो गई जो उनके पुराने रिकॉर्ड थे या जो भी उनके हवेलियाँ वगैरह, तो उनमें सब बच्चों में बंटवारा हुआ, तो बंटवारा हुआ तो उसमें बहुत सी ऐसी जो होते हैं लोग सोच रहे थे कि बक्सों में खजाना नहीं, लेकिन वो खजाना हकीकत में सोने की बंदूकें थी। हाँ सोने की, पीतल की, तांबे की और फिर से तलवारें जिन पर महंगे महंगे पत्थर लगे हुए थे। Thank you.
I'm
جب تم نہ کرو گے تو
Thank you.
Thank you.